सीता हमारी इंतजार करती होगी। अभी तो कम खपड़िया बनी है, थोड़ी और लग जाए तो मचाएगा। और लगे आग दिल में बुझाऊंगी सीता, की शादी हो गई, विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। सीता सुहाग वाले कमरे में बैठी है, बंटाधार के इंतजार में। इधर बंटाधार काफी शराब पी लिया है, शराब के नशे में अपनी पत्नी सीता के पास पहुंच रहा, देखो क्या अंजाम होता है। Thank you.
आपकी शराब की नशा उतर जाए तब आप मेरे कमरे में आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। अरे तू मेरी धर्म पत्नी है, तेरे साथ हमारा ब्याह हुआ है, अरे हम चाहे जो कुछ करें ये हमारा को अधिकार है। ए सीता ये मधुर मिलन का प्यार से चलिया छूटे ना, अरे छूटे ना। चुनाव कार्यालय में जमा कर दिया, फिर से त्रिलोकीनाथ निर्विरोध विधायक बन गए क्योंकि इनके खिलाफ फूलपुर क्षेत्र में नहीं आया सामने। इधर का पानी उनके स्वागत में हार लेकर खड़ा है। भाइयों हमारे नेता त्रिलोकीनाथ फिर से निर्विरोध विधायक बन गए, अब मेरी पहुंच यहां से लेकर नरेंद्र मोदी तक हो गई है। अब जो भी कार्य हो वो हमसे बताइएगा। अब मैं फूलों का हार लेकर चल रहा हूँ अपनी नेताजी के स्वागत में। अभी हमारे नेताजी अपनी स्कॉर्पियो से आएंगे, नए स्कॉर्पियो से सबको बधाई देंगे। दीनानाथ से लिखवाया था उसे ले जाकर चुनाव कार्यालय में जमा किया। हमारे सामने कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैं निर्विरोध विधायक चुन लिया गया हूं। नेता त्रिलोकीनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता त्रिलोकीनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। लोटा पानी आइए, इस खुशी के मौके पर पहले हम घर चलते हैं, उसके बाद हमारे दोस्तों ने कई जगह पर पार्टी रखा है, हमें भी पार्टी में भी शामिल होना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग घर चलेंगे। चलिए नेताजी। जीत गए भाई जीत गए, देता हो।
सुहागन रहो प्रिय बिछुरानी, जुग जुग जियो। प्रिय बिछुरानी कहिए स्वामी, मैं क्या देख रहा हूं, आप कमरे में मौजूद है, लेकिन इस खुशी के मौके पर बेटा कहां है? बेटा, अरे यहां आओ, देखो। प्रिय बिछुरानी, मैंने जो कागज पर बयान लिखवाया था मास्टर दीनानाथ से, उसे ले जाकर चुनाव कार्यालय में जमा किया। अच्छा, हमारे खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। कितनी अच्छी बात, इसलिए मैं निर्विरोध विधायक चुन लिया गया हूँ। मेरी पहुंच फिर दिल्ली तक हो गई है। क्या बात है, लेकिन इस खुशी के मौके पर आप भी हैं, बेटा बंटा धार है, लेकिन पतोहू सीता नहीं नजर आ रही। नेताजी, पतोहू का बड़ा ख्याल रखते हो, बात क्या है? क्योंकि वो भी नई नई आई है स्वामी, अकल एकलौती बहू है। पतोहू अभी अपने कमरे में बैठी है। प्रिय बिछुरानी, इस खुशी के मौके पर मैं उसे बधाई देने के लिए उसके कमरे तक जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, इतनी बड़ी खुशी है, क्यों नहीं जाइए। क्यों नहीं जाइए, जाइए। ठीक है बेटा, चलिए। कहीं नेता है, एक बात बताई, रुक जा, पहले केवाड़ा बंद कर आई। नहीं सार, फिर तुम्हार बेटो बनता धार है तो बहुत पी ले लोटा पानी। का भैया, हमार तो आप दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं, तुम एक भैया आज जाब ना कहे, अगर हमार काम ना बनाए तो नेता से बता दिए। देखो लोटा पानी, कहो बिच्छू रानी, अगर ये जो कुछ कहता है इसकी सुन लो, अगर ये बता देगा तो गड़बड़ हो सकता है। बताओ। ये काम करो, पहले मोहब्बत हम कभी बाद में तू। यू तो ना हो, यू तो ना हो। तो लाओ कुछ खर्चा दिए जाए क्या। यू तो आए हम तो खर्चा लाइए जेब बटा। जाओ जाओ ऐसी तुम जाओ, चेक कर ले यार, तू पीछे खड़ा हो यार। Yeah. जब हम 40-50 रुपया रख करें साल निकाल ले। पहले केवाड़ा बंद कर ले तो फिर बाद में बात करी, हम कभी पलटा घर वही डराई थी सारे का। हाँ भैया, ए लोटा पानी, अरे बिच्छू रानी, अरे राजा, आओ बजाई बाजा, आए फूल की रानी, आए फूल की रानी, पहाड़ों की मलिका। Thank you.
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बेटा ये कुछ नहीं हो रहा, हमारे पैर में कांटा लग गया था, वही निकाल रहे थे। अच्छा, चिपकी कांटा निकाल रहे थे। जब कभी कभी तुम्हारे चाचा नहीं होते हैं जब कांटा करता तो मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा ए भाई तू चले ऐसे। हाँ जाओ जाओ अपने कमरे जाओ। और चाचा सीरी इधर आओ। छिपा हुआ है ए खुश निकाल भाई बाहर निकाल निकाल तो है। लोटा पानी जो उनकी रसवा देगा या तक है लेकर तू हाथ कहाँ से निकल के है ले। चाचा श्री क्या हो रहा था बेटा बनता धार। हाँ चाचा एक बात पूछी। पूछो तीनों तरफ क्यारा बन रहे हाँ। तुम आयो कौन की बेटा बात है? हम खिड़की के रास्ते से आए हैं और तुम दोनों जो कर रहे हो हमने देखा। सुनो क्या कर रहे हैं? मैं फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा भोजपुरी फिल्म। फिल्मी दुनिया में जाने वाले हैं तुम। फिल्म का नाम है गुप्त ज्ञान। फिल्म बनाने के लिए हमारी माई मिली है तुम्हें और जी हमारी। अब ऐसा करे इतना काम ठिकाए नहीं तुम लोग बनता था हमका पेलिन दे। अब नेताई से अगर बात करे खोए तो फोन नंबर है ये है नेताई के घर ही ना उपाय नहीं तुम लोग बनता था बनता धार कर दे। अगर बात करे खोए मिले खोए तो मोबाइल नंबर है ये है आई का गन्नन का बला लेकिन घर है ना कोई और हम ये नेता गिरी दे अब चाहे तो कहूँ दूसर नौकरी कर ये नेता गिरी हमारे घुसे में जाए अब की जान पर बंटा धगाओ का हम ही बुलाए के लगा है जब तू वहाँ पैसा निकाल लेगा साले तो टेबल में। लेकिन सुनो इस अगर फरमाओ के प्यारे याद रहे पछताओ के प्यारे जूता तुमसे शर्माएगा इतने जूते खाओ के प्यारे। इश्क बाजी करते करते मेरा दिल धतूरा हो गया। इश्क बाजी करते करते मेरा दिल धतूरा हो गया और चांद पे जूता पड़े तो इश्क पूरा। कभी खुल के मिलना कभी अपने कमरे में बैठी है। इधर त्रिलोकीनाथ जीतने की खुशी में अपनी पुत्र सीता को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं।
कैसी है पुत्र सीता? बाबू जी आप ही सुखद, आप बुलाए होते तो हम आप सबके पास खुद ही आ जाते। मैं जानता हूँ। ठीक है बाबू जी, मैं खुद आ गया हूँ। ठीक है बाबू जी, यदि आप आ ही गए हैं तो दो मिनट बैठिए। बाबू जी आपके चेहरे की खुशी से ऐसे लग रहा है कि जैसे आप चुनाव जीत गए। हाँ ये सत है, मैं चुनाव जीत कर आ रहा हूँ। मैं जानती थी बाबूजी कि आपके सिवा इस चुनाव कोई जीत ही नहीं सकता। आपको बहुत बहुत बधाई हो बाबूजी, बहुत बहुत बधाई। सारे घर को बताएगी, इस मामले को यही दबा दे। ऐसा कदापि नहीं होगा। आपकी शिकायत लेकर अभी माजी के पास जाती हूँ, तब आपको पता लगेगा। सीता तू शिकायत लेकर जाएगी? यू कैन गो। जा रही हूँ। कल 12 बजे मैं पी कर आऊंगा। कसम चोटिया की तुझे अपने सीने से लगाऊंगा, तब हमारा सीना खुशियों से गदगद हो, क्योंकि तेरे बाप ने एक पैसा दहेज नहीं दिया। हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए आ गया था। मैंने कहा था मास्टर दीनानाथ, यदि मेरे चंगुल में फंस गए तो हम तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है, तू बिछुड़ानी के पास जा रही है। अरे कसम चोटिया की वो ऐसा टंक मारेगी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अरे मैं क्या देख रही हूँ,
की पतोहु सीता हमारे कमरे की तरफ आ रही है। ठीक है, आ हराम शादी, आज मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक पैसा एक लाल पाई मुझे दहेज नहीं दिया। आओ आओ, आज मैं तुझे बताती हूँ, आओ चलिए आओ। माता जी प्रणाम, खुश रहो, कहो हमारे कमरे की तरफ कैसे? कहती है माँ जी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। क्या कहना चाहती? आपके पास में माँ जी
करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? काट डालूंगी तुझे आराम जाती। मुझे मारो नहीं बाजी, आप उसे Yeah।